हॉस्पिटल में बढ़ रही लू लगने के मरीजों की संख्या, तेज गर्मी से उल्टी, दस्त की शिकायतों में हुआ इजाफा, सफाई पर खासा दे ध्यान। बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत याचिका पर 3 जून को होगी सुनवाई, एडवोकेट राजेंद्र पाल ने की डीवीआर की मांग। वेलकम में स्कूटी सवार बदमाशों ने की थी हत्या, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव, परिवार ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस की छवि पर लगा दाग, युवक की बेरहमी से पिटाई करने के लग रहे गंभीर आरोप, पिटाई से युवक की हालत है गंभीर, घटना के बाद दिल्ली पुलिस के स्लोगन पर उठे सवाल। नालों की सफाई के एमसीडी के दावे को पार्षदों ने बताया गलत, 70% सफाई की बात है पूरी तरह झूठी, सफाई व्यवस्था से परेशान हो रही है आम जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएल लाइव, मैं हूं आपके साथ जेबा अंजुम, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में पारा 52 डिग्री को पार कर चुका है, बाहर निकलते ही गर्मी जलाने लगती है, ऐसे में हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। जब हमारे संवाददाता ने हेड गोवर अस्पताल के डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मौसम में पेट के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, कई बार गंदा पानी पीने से, बाहर का खाना खाने से लोगों की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है, ऐसे में उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने लगती है, कई बार ये समस्या विकराल रूप ले लेती है और व्यक्ति एडमिट करने तक की नौबत आ जाती है। कुछ पेशेंटों में देखा गया है कि उल्टी दस्त भी शुरू हो जाते हैं, तापमान बढ़ रहा है तो उसकी वजह से पेट के इन्फेक्शंस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, वो बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको कि उल्टी होती है, दस्त हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, या कभी कभी पेशेंट की कंडीशन सीरियस भी होती है, भर्ती करने पड़ते हैं हमें, कि बाहर का या खुला हुआ खाना या घर पर रखा हुआ खाना है उनको अवॉइड करें, या ज़्यादा फ्रिज में रखा हुआ है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क है या मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं उनका सेवन करने में विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाना फ्रेश होना चाहिए और 3-4 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि गर्मियां हैं और अभी बढ़ने के ट्रेंड पे हैं, अभी आने वाले अगले 1 से 2 महीने में गर्मी और बढ़ने के चांसेस हैं और उसको रोकथाम के लिए भी हम मरीज़ों को सलाह देते हैं, लेकिन इस बीच में जो हमारे पास मरीज़ आते हैं ज़्यादातर दस्त वाले आते हैं जिसको हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, जो ख़राब खाना और ख़राब पानी की वजह से होते हैं, और जिसमें सबसे पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है हमें डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी से बचाना होता है मरीज़ को, और उसके बाद दूसरे मरीज़ आते हैं जो गैस्ट्राइटिस वाले होते हैं जिनको सिर्फ उल्टियां वगैरह होती हैं, जो पेट का इन्फेक्शन होता है, और हीट स्ट्रोक वाले भी पेशेंट होते हैं, इस तरह के कुछ पेशेंट हैं, लेकिन जिसमें अल्टीमेटली हमें उनका डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है एंड हमें ये ध्यान रखना है कि वो मरीज़ चाहे हमारे पास इलाज कराए चाहे घर पर रहे अपना हाइड्रेशन अच्छे से रहे, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी और जूस वगैरह, शरबत वगैरह, नारियल पानी वगैरह ये सब कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैम, ज़्यादातर पेशेंट्स वो आते हैं जिनको ऑलरेडी कोई पहले से कोई तकलीफ बीमारी है जिसकी दवा चल रही है, जैसे कोई बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई दिल की समस्या है, वो लोग अक्सर ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो भी दवाई खाते हैं, दवाइयों से भी गैस्ट्राइटिस होता है और बाकी जो बाहर का एनवायरनमेंट से जो गैस्ट्राइटिस हो रहा है वो उसको और ज़्यादा एक्सग्रेट कर देता है। तो जो मेन एज ग्रुप होता है वो वाला जो ऑलरेडी किसी मेडिसिन पे है, किसी दवाइयों पे है, या स्पेशली 30-40 वाला जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, बाहर आना जाना, जो वर्किंग वाले लोग हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, वो ज़्यादातर एक्सपोज होते हैं इस हीट प्रॉब्लम से। पूरी दिल्ली के साथ साथ पूर्वी दिल्ली में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सुबह 9 बजे से ही झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। दिल्ली के शहर में आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है, लू चलने से दोपहर एक समय तो लोग घरों में दुबके रहने पर मजबूर हो रहे हैं, वही भीषण गर्मी के इस मौसम में लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है, सुबह और शाम के समय ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जब इसको लेकर सीसीएन संवाददाता ने महिलाओं से बात की तो उनका कहना है कि बढ़ती गर्मी के साथ जिस तरह से
लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में घर से बना खाना ही खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें। गर्मी में ठंडा पेय पदार्थों का सेवन करें, साथ ही भूखे पेट घर से बाहर न निकलें। बढ़ते तापमान से परेशान लोग गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, गन्ने का जूस सहित नींबू पानी का शरबत, शिकंजी इत्यादि ठंडी चीजें पीकर शरीर को ठंडक प्रदान कर रहे हैं। संवाददाता ने जब डॉक्टर से बात की इस बारे में तो उनका कहना था कि लू लगने का कारण बुखार, सर में दर्द, डिप्रेशन और चक्कर आने से लेकर ज्यादातर दिक्कतें सामने आ रही हैं। आम आदमी बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसे में लू से बचाव जरूरी है। जब भी घर से निकलें तो छाता लेकर निकलें और पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। जरूरत ना हो तो घर से बाहर निकले से बचें। इतनी ज़्यादा दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, हम घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब चाह के भी अगर हम लोग मॉर्निंग में भी उठ जाते हैं 5 बजे तो भी ऐसा फील होता है कि अभी 30 डिग्री तो ज़रूर होगी सेल्सियस, क्योंकि इतनी ज़्यादा उमस होती है। बालकनी में जाओ या कहीं भी जाओ, कोई आभास ही नहीं होता कि मॉर्निंग हो रहा है। ऐसी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सिर्फ हम लिक्विड में नींबू पानी, ग्लूकोज पानी इसका सेवन कर रहे हैं और खाना तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। खाना खाने के बाद तो ऐसा हो रहा है कि तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, बिल्कुल भी तबीयत, मतलब मौसम अच्छा नहीं है। इस बार गर्मी कितनी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब इतना बुरा हाल है। बच्चों को अगर हम बाहर ले जाएँ तो इतनी गर्मी, और अगर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ना लें तो सबकी तबीयत खराब हो सकती है। आप कुछ भी बाहर का नहीं खा सकते, कोई डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों को, इतनी गर्मी हो गई है। मतलब वेदर भी, मॉर्निंग में भी अगर आप उठो तो लगता नहीं है कि मॉर्निंग है, ऐसा लगता है कि एकदम आफ्टरनून में ही आप उठे हो। मतलब कोई भी हवा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब की बार तो गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। कल 52 डिग्री टेम्परेचर था दोपहर में, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने में लाने में इतनी हालत खराब हो जाती है, कैसे घर से बाहर निकले। बच्चे बोलते हैं मम्मा छुट्टी पड़ गई है, घर से बाहर लेके चलो। कैसे बच्चों को घर से बाहर लेके जाए, सारी छुट्टियां ऐसे लग रहा है कि और तो घर के अंदर बंद रह के ही निकालनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है कि सबके साथ बॉटल पानी की जो है वो रखी जाए, उसके बाद जब वो घर में आ रहे हैं तो सत्तू और आम पन्ना जैसी चीजें मैं यूज करती हूँ, और अपने बच्चों को वाटरमेलन दिन में रेगुलर मैं इनको खिला रही हूँ। घर से बाहर जाने के समय पर ध्यान रख रही हूँ कि छाता साथ में हो, अपना मुंह बांध के चलें, क्योंकि नौपता का जो समय चल रहा है इससे बच्चों को और घर के बड़े बुजुर्गों को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। मतलब बाहर निकलते ही बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, पेट दर्द बता रहे हैं और उनको उल्टियाँ लग जा रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं मतलब उनके खान पान का विशेष ध्यान रख रही हूँ। हाँ जी, मैं तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन रहने के लिए पानी ज़्यादा पीना है, ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, और सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अवॉइड करते हैं बाहर निकलना, और अगर निकलना भी है बहुत ज़रूरी काम है तो फेस को कवर करके या अम्ब्रेला को यूज़ करना है। बाकी जी आम पन्ना है, नींबू पानी है, और डिहाइड्रेट रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम फ्रूट्स ज़्यादातर खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं। बस ये वैसे तो खाने में रोज़ की तरह ही होता है, पर गर्मी में कुछ थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे सत्तू बना लिया और आम पन्ना बना लिया और शिकंजी बना ली और चाय वगैरह, ये सब कम हो जाती हैं बिल्कुल। ये तो पीते हाँ, छा दही ये तो बिल्कुल है ही नॉर्म, ये तो चलती हैं गर्मी में। बाकी ये दूसरे दिन ये आम पन्ना ये बना के पीते हैं। गांव में तो वही जौ का सत्तू और शिकंजी, बस यही बना के पीते, छाछ और दही भाई ये बना के पीते। हाँ, बेल का जूस बहुत फ़ायदेमंद है पेट के लिए, वो तो बहुत ही, गांव में बहुत पेड़ होते हैं तो वहाँ से तो तोड़ के बना के पीते थे हम, यहाँ तो खरीद के लाते हैं, वहाँ तो बहुत बना के पीते थे। देखिए, लू जिसको हम जो है वो इंग्लिश में हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, इसके जो लक्षण हैं वो कई स्टेजेस के अंदर होते हैं। सबसे पहली स्टेजेस में ये होती है कि हमारे को हल्का डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि होंठ और मुंह, गला सूखने लगता है, ये इसका पहला सिम्टम होता है। इसके बाद जो है वो थोड़ा इसके सिम्टम बढ़ जाते हैं तो हमारे को पसीना आना बंद हो जाता है, और उसके बाद इसके सिम्टम बढ़ जाते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, और सिम्टम बढ़ जाते हैं तो मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, बॉडी में दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में क्रैम्प आने लगता है, और जब इसके सिम्टम ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कन्फ्यूजन होने लगती है, एग्जैक्टली ओरिएंटेशन नहीं रहता, और इससे ज़्यादा बढ़ जाने पे जो है वो चक्कर आके आदमी बेहोश होकर गिर भी सकता है, और अल्टीमेटली हाई टेम्परेचर के साथ आदमी को मिर्गी का दौरा या झटका भी आ सकता है, और अल्टीमेटली अगर लू जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाए और आदमी को टाइमली इलाज ना मिले
तो उस आदमी की मौत भी हो सकती है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लगने के बाद दोनों डॉक्टरों को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें जहां पर ककड़ुमा कोर्ट ने डॉक्टर नवीन खींची और डॉक्टर आकाश दोनों को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में दिया गया है और आरोपी आकाश ने जमानत याचिका दायर की जिस पर अब 3 जून को सुनवाई होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 25 मई को विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लगी थी जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी। अभी इस अस्पताल में 12 मासूम भर्ती बच्चे हैं। वहीं अभिभावकों को एडवोकेट राजेंद्र पाल ने DVR की मांग भी की है। चाइल्ड केयर सेंटर विवेक विहार के दोनों मुलजिम जो कि 3 दिन के रिमांड पर थे, आज उनकी रिमांड पूरी हुई तो उन्हें पुलिस ने 2 बजे कोर्ट में पेश किया। तो पुलिस वालों ने वहाँ बताया IO साहब ने और कि इनसे जो हमने 2 मोबाइल रिकवर किए हैं और जो एजेंसियाँ हैं उनको हमने नोटिस दिया है, जहाँ चल रही है उधर से रिप्लाई वगैरह आएंगे, अभी टाइम लगेगा उसमें। और DVR के लिए इन्होंने ये कहा है कि DVR नहीं है, तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि DVR के बगैर, तो आजकल छोटे छोटे घरों में जो कैमरे लगते हैं वो भी नहीं होते, इसमें DVR 100% होगा, चाहे वो नष्ट हुआ है या कैसे भी है, कोई आग लगती है तो 100% बिल्डिंग कभी आग नहीं लगती, सारी चीज़ें नहीं जला करती, कुछ पोर्शन जल जाता है कुछ बच जाता है, तो DVR को रिकवर किया जाए। तो आज जज साहिबा ने 13 जून तक के लिए इनको जेल भेज दिया है जुडिशियल कस्टडी में। नवीन खिच्ची की तरफ से उनके वकील साहब पेश नहीं हुए थे तो उन्हें जज साहब ने DLSA के एडवोकेट प्रोवाइड कराए और आकाश के जो वकील साहब थे उन्होंने उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई है जिसकी सुनवाई 3 जून को 2 बजे होगी। सर बिल्कुल ये चीज़ें देखो, संदेह के घेरे में मेन रोड है और वहाँ पर सारी सब चीज़ें हैं और पॉज कर लेनी है, बाकायदा बाहर मेन रोड पर भी कैमरे लगे हुए हैं और सारी सब चीज़ें हैं और इसमें LG साहब ने भी आदेश दिया है ACB से जांच करने के लिए और जो हेल्थ मिनिस्टर के OSG हैं उनको भी हटाया गया है, तो बड़े स्तर पर जांच चल रही है। CCTV कैमरे बाहर मेन रोड पर अगर ये चाइल्ड केयर सेंटर के नहीं मिलते हैं लेकिन मेन रोड पर जो CCTV कैमरे हैं वो लगे होंगे, 100% लगे हैं और उनमें आएगा जो भी चीज़ें हैं। वेलकम इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने एक युवक के सिर में बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए थे। मृतक की पहचान हर्ष विहार निवासी सूरज के रूप में हुई थी। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि शायद पुलिस पहले ही बदमाशों पर कार्यवाही कर देती तो सूरज आज जिंदा होता। इससे पहले भी हमारे ऊपर राहुल और गोलू नाम के शख्स ने हमला किया था लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। फिलहाल पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक शख्स की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी के उनके साथ मेरे साथ परिजन है, बात करते हैं। सर ये क्या पूरा मामला हुआ, किस दौरान ये गोलियां चली, एक बार बताइए। ये गोलू सचिन गोलू है और राहुल है, राहुल खटीक समोली में रहता है राहुल और सचिन गोलू भी मंडोली में रहता था। ये अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं इलाके में और इन्होंने 1 महीने पहले मेरे पे भी गोली चलाई थी, मेरे 2 गोली लगी थी पैर में, जांघ में लगी हुई है। मैंने FIR करी थी, उसमें सिर्फ थाना हर्षविहार SHO साहब ने राहुल का नाम ऐड करा, गोलू का कहीं नाम नहीं है। गोलू को बचाया जा रहा है, ठीक है, जबकि सारा काम गोलू करवा रहा है, गोलू पीछे बैठ के राहुल से काम करवा रहा है या कहीं कहीं वो साथ भी होता आगे पीछे रह के। राहुल जब से फरार है 1 महीने से कोई एक्शन नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। राहुल ने और 1 हफ्ते पहले इन्होंने, राहुल और गोलू ने, एक लड़का मंडोली चुंगी पे नंदगी डिपो के सामने थाना हर्षविहार के अंतर्गत ही अभी अपने नाबालिग लड़के भेज के 4-5 वो लड़का मरवाया, अमर उर्फ गोलू वो मरवा दिया, एक ऑटो चलाता था लड़का इन्होंने, राहुल और सचिन गोलू ने, ठीक है ना। अब तीसरा इंसिडेंट है इनका, इन्होंने इसको सूरज को गोली मार दी 8:30 बजे के आसपास की। पुलिस कार्रवाई करती तो बंद होते, या जैसे वो 3 इंसिडेंट कर दिए उन्होंने, मेरे भी गोली मार दी और एक लड़का मंडोली चुंगी पर उन्होंने मरवा दिया अपने नाबालिग लड़कों से, उसमें उनका कहीं जिक्र नहीं आ रहा। मतलब पुलिस भी पता नहीं क्या कर रही, समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रही है पुलिस, उनका नाम ही नहीं डाल ली किसी केसों में। और कि क्या वो 1-2 टारगेट हो रहे हैं, मैं दोबारा उनका टारगेट हूँ, मेरे को सबसे पहले टारगेट करा था उन्होंने, मैं बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी जांग में 2 गोली लगी हुई हैं। सूरज है, 32 साल उम्र है, उनकी छोटी सी दुकान है वहाँ पर,
कारखाना है जिसमें वो नल के फिटिंग्स की पॉलिश करते हैं। तो वो अपने कारखाने में ही थे ग्राउंड फ्लोर पर, और दो लड़के स्कूटी पे आए, इनकी बातचीत भी हुई है, और उसके बाद उनमें से एक लड़का उतर के इनको गोली मार के। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। तकनीकी तौर पे दिल्ली पुलिस देश के सभी राज्यों की पुलिस से ज्यादा समृद्ध है। दिल्ली पुलिस की छवि देश में सबसे तेज तर्रार व स्मार्ट पुलिस के तौर पर होती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के सुरक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कर्मियों पर युवक की बेरहमी से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। भले ही दिल्ली पुलिस को देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस माना जाता है, लेकिन आए दिन दिल्ली पुलिस पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगना भी जैसे आम बात हो गई है। ताज़ा मामला दिल्ली के बदुबिहार थाने इलाके का है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप कुछ पुलिस कर्मियों पर लगा है। आपको बता दें कि युवक के शरीर पर पड़े जख्म ये बयां कर रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से पुलिस ने उसको पीटा है। पीड़ित युवक की माने तो वो बाइक से कहीं जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे कुछ पुलिस कर्मियों ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसकी बाइक की नंबर प्लेट कहीं गिर गई थी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी की बाइक होने के शक के आधार पर उसे रोका। बाइक की अगली नंबर प्लेट से जांच की तो युवक ने बताया कि बाइक उसके भाई के नाम है। उसके बाद पुलिस ने उसे सड़क पर ही जमकर पीटना शुरू कर दिया। बकौल पीड़ित युवक को वो आरोपी पुलिस कर्मियों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे बेरहमी से पीटते गए। इतने पर जब उनका दिल नहीं भरा तो उसे ऑटो में डालकर थाने ले जाने लगे और ऑटो में भी जमकर युवक की धुलाई करते रहे। फिर मौत नाम का कांस्टेबल था, उसने डंडा मारा मेरी कमर में। अच्छा। और कमर में डंडा मार के कहने लग गया मुल्ला कटुए। अच्छा। इस तरीके का बयान मेरे से उल्टा सीधा बोला। हाँ। फिर मेरे को मारा वहाँ पे चलते हुए ऑटो पे। एक ऑटो आया, उसने मेरे को घुसेड़ दिया। घुसेड़ के फिर मारते के ले गए मेरे को थाने। रास्ते में मैंने हिम्मत जुटाई, कोनी लात घूसे थप्पड़, यहाँ तक कि मेरे पेशाब की जगह को भेज रहे थे। अच्छा। और मुझे मारते वाले यार तो थोड़ी देर में कुत्ते की तरह। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे मत मारो, मारते रहे मारते। मैंने हिम्मत करके ऑटो से गर्दन बाहर निकाल के मैंने चेक करा रोड पर कोई मेरा जानने वाला तो नहीं। इसमें मेरे एक भाई निकल गया है, वो बैठे थे रोड पे ही, तो उन्होंने देखा, वो देख के मैंने उन्हें आवाज लगाई, मैंने देख लिया उन्हें। मैंने कहा कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मतलब मैंने उनसे कहा आवाज़ लगा के कि भाईजान बचा लो मेरे को, मार देंगे वो। उन्होंने एकदम उन्होंने मतलब ध्यान दिया नहीं दिया, आगे चला गया वो। तो फिर गली के हमारे कोने पे आया एक काले भाई है, कवाड़ी की दुकान है उनकी। मैंने उनको आवाज़ लगाई, मैंने काले भाई मुझे मार देंगे बचा लो। उन्होंने कहा कौन, बस फिर आगे ऑटो चला गया, वो मुझे मारते रहे। बहरहाल इस घटना के बाद पीड़ित युवक की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसके जिस्म पर पड़े उसके ये जख्म चीख चीख कर पुलिस की हैवानियत का सबूत दे रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस के आला अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है कि अब युवक और उसका परिवार डर के साए में जी रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन पीड़ित के शिकायत पर क्या कार्यवाही करता है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के स्लोगन शांति सेवा न्याय को ही गलत साबित कर दिया है। दिल्ली एमसीडी का कहना है कि उसने 70% से ज्यादा गाद मानसून सीजन आने से पहले ही निकाल दी है, नालों की सफाई लगभग की जा चुकी है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्व दिल्ली के पार्षदों से बात की तो उनका कहना था कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है वे झूठी झूठी बातें करती है। अभी इलाके की नालियों की सफाई बाकी है, इलाकों में गाद अभी तक नहीं निकाला गया है, बस ऊपर ऊपर से नालों की सफाई की गई है।
कुछ काम तो हुआ है, लेकिन जो ये कह रहे हैं 70% काम नहीं हुआ है, फिर भी बारिशें आने से पहले अगर ये 70% भी काम कर दें, 100% के तो पैसे लेते हैं, अगर 70% भी काम कर दें तो कम से कम जगह जगह गलियों में नालियों में रोडों पे पानी नहीं भरेगा। आपको इसका जीता ज़्यादा उदाहरण अभी थोड़े समय पहले जब बाद बारिश पड़ेगी तो आपको दिख जाएगा इन्होंने कितने परसेंट काम किया है, कितने परसेंट काम नहीं किया है। सिर्फ भ्रामक खबरें अखबारों में छपवाकर अपना काम सोच रही है, हो गया। अभी भी खबर आई है कि दिल्ली के अंदर MCD ने 70% डीसिल्टिंग कर दी है, मतलब नालों को साफ कर दिया है। लेकिन हमने धरातल पे देखा कि काम शुरू हुआ है, और इसका पता कैसे लगता है? इसका पता ऐसे लगता है कि जो नालों से गाद निकलती है, चाहे वो MCD की है, चाहे वो फ्लड इरीगेशन की है, चाहे वो DDA की है या PWD की है, वो सारी खाद जो है एक प्लांट पे जाती है और वहाँ उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो ये प्रचार कर रहे हैं कि 70% काम हो गया है, वो कृपया कितने टन कूड़ा, कितने टन गाद निकली और कितने टन उस स्थान पे पहुंचा दी, इसको बताएं। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में पुलिस को 26 मई को एक घर में चोरी होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जायजा लिया। कोटला गांव में रहने वाले पीड़ित संतोष कुमार ने पुलिस को बताया कि मेरे घर में एंड्रॉइड टैबलेट, मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी, एक जोड़ी चांदी के पायल और 10,000 रुपए चोरी हो गए हैं, जिसके आधार पर मयूर विहार ACP और पांडव नगर के SHO की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने आरोपियों की पहचान के लिए CCTV कैमरे चेक किए और स्थानीय लोगों की खुफिया जानकारी से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान दीपक निवासी परपरगंज के तौर पर हुई है। लगातार पूछताछ करने पर आरोपी दीपक ने अपने दोस्त शाबिर के साथ मिलकर चोरी करने की बात कबूल की। मामले की आगे की जांच जारी है और दूसरे आरोपी शाबिर का पता लगाना और बाकी चुराए गए सामान को बरामद करने के प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। शाहदरा जिले की साइबर पुलिस ने लोगों से ठगी करने वालों का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को एक शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता रमेश ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने YouTube पर एक विज्ञापन देखा था जो तुरंत क्रेडिट कार्ड बनाने के बारे में था, इसलिए उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और अपना विवरण दर्ज किया। अगले दिन उसे एक कॉल आया और जालसाज ने शिकायतकर्ता रमेश को नए क्रेडिट कार्ड के लिए एक लिंक भेजा, इसलिए रमेश ने लिंक डाउनलोड किया और अपने AU Bank क्रेडिट कार्ड का विवरण दर्ज किया। इसके बाद शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड से करीब 1,00,000 के आसपास रुपए डेबिट हो गए। SHO PS साइबर मनीष वर्मा की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम ने एलेक्सा वाली गली, लक्ष्मी गार्डन, लोनी, गाजियाबाद थाना लोनी पर छापेमारी की और तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी व्यक्ति मोजपुर के रहने वाले सोहेल को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसका उपयोग वो जीमेल का उपयोग करने में करता था। कथित तौर पर उसने बताया कि वो काफी ही ऐसे मामले कर चुका है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के खाते खोलता था और उन्हें कमीशन देता था। गांधीनगर पुलिस को 27 मई को एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वे अपना काम से फ्री होने के बाद अजीत नगर से घर जा रहा था और जब वे शर्मा हार्डवेयर गली नंबर 11 के पास पहुंचा तो अजीत नगर में 2 लोगों ने उसे घेर लिया और उसमें से एक शिवम नाम का व्यक्ति था जिसको वे जानता था। अज्ञात व्यक्ति ने उसकी गर्दन पर उस तरह रखकर पैसे और आधार कार्ड छीन लिया और दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। आरोपी व्यक्ति की तलाश के लिए तुरंत SHO और SI के नेतृत्व में क्रैक टीम का गठन किया गया। टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, तभी कुछ देर बाद अजीत नगर इलाके में दोनों आरोपी घूमते हुए मिले, जिन्होंने पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। मामला दर्ज कर आरोपियों को कब्जे से लूटी गई संपत्ति जब्त कर ली गई है। साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ डकैती के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। विकास मार्ग पर पिछले काफी लंबे समय से सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, कई बार इस काम का आखिरी रूप दे दिया गया है, ऐसी जानकारी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां कुछ ना कुछ काम शुरू कर दिया जाता है। विकास मार्ग शकरपुर पर बने सबसे पीछे की सर्विस लाइन पर तकरीबन 1 महीने पहले दोबारा से सड़क को खोद दिया गया है। हालांकि तकरीबन 1 साल पहले ही इस सड़क को दोबारा बनाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि सौंदर्यकरण का काम कब खत्म होगा, ये एक सवाल बनता जा रहा है। एक एजेंसी निर्माण करती है तो दूसरी एजेंसी आकर उस पर खुदाई कर देती है। PWD के लोग आपस में तालमेल नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण लोगों को, आम जनता को इसकी समस्या झेलनी पड़ती है। यहाँ जो ब्यूटिशन का कार्य चल रहा है 5 साल से, ये एक तमाशा बन गया है। इतनी देर में तो ताजमहल बन गया था, इनसे 2 नाले नहीं बन पा रहे, तो कृपया इसको
ठीक से बनवाइए। समस्या होती है लोगों को, बहुत समस्या है, कुछ लोग गिर भी जाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और बहुत चोट भी लगी है लोगों को, और इसको जल्दी से जल्दी किया जाए तो। देखिए मैं ये देख रहा हूँ, कब से देख रहा हूँ ये बन रहा है, नाला बनाने की कोशिश की जा रही है, और हमें बाद में बताया गया था कि अब ये नाला बनेगा बार बार टूट जाता है, उसको आरसीसी से बनाया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि अभी ईंटों से ही बन रहा है, वो अभी फिर टूट जाएगा, फिर बनेगा, फिर टूट जाएगा, फिर बनेगा, तो इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ऐसा पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और आप अगर यहाँ देखें तो कितनी भीड़ है, ये अभी नाले के बाहर जो गंदगी निकाली है उसको भी जुटाया जाता है। आप देखो कि ये विकास मार्ग है, विकास मार्ग का कैसा विकास हो रखा है, और यहाँ पे लोग दुकानदार करोड़ों की दुकान लेके बैठे हुए हैं, पर कस्टमर नहीं होते, क्योंकि कभी सड़क तोड़ देते हैं, कभी नाले बना देते हैं, गंदगियाँ देखो आप कितना है, यहाँ आपके सामने तोड़ा ताड़ी हो रखी है, बंदा चल भी नहीं पा रहा है, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही है सर्विस लाइन में, इतना गंदा विकास मार्ग का हाल हो रखा है। आने लोग ये तो 5-7 साल चली रही है, तोड़ देते बनाए देते हैं, ये तमाशा ही है। जो यहाँ पर काम है उसको एक बार करने के बाद दोबारा तोड़ करके फिर दोबारा किया जाता है, यानी कि एजेंसियों की, डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही है, कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं रहता है। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए यहाँ पर, तो जिस तरीके से काम किया जाता है उसमें भी काफ़ी धीमी गति से काम करते हैं, जिससे लोगों को यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, राहगीर हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन सभी को काफ़ी परेशानी होती है। विकास मार्ग एक ऐसी जगह है जहाँ से काफ़ी रास्ते जुड़ते हैं, काफ़ी लोग हज़ारों की संख्या में इस रास्तों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई है, प्रशासन को चाहिए कि वो इन कामों की शुरुआत अगर करते हैं तो उसको समय पे ख़त्म करें, जिससे कि यहाँ पे रहने वाले लोग और जितने भी यहाँ की जनता है उन किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, और सौंदर्यकरण का जो काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, जिससे समय की बर्बादी ना होते हुए लोगों को भी इन समस्याओं से ना जूझना पड़े। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। शकरपुर के यू ब्लॉक की गलियों में काफी समय से साफ सफाई न होने और असामाजिक तत्वों के उजागर होने के कारण यहां रहने वाले स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी हो रही है। यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि इस ब्लॉक की गलियों में सीवर ओवरफ्लो और नालियों की सफाई नहीं होती है, साथ ही इन गलियों में नशा करने वाले लोग भी बैठते हैं और वहाँ बैठ कर नशा करते हैं, जिससे यहाँ रह रही महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। महिलाओं को ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई वारदात ना हो जाए, बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। समस्या यहाँ पे ये है कि अधिकारियों से लेके और विधायक और पार्षद सबसे रिक्वेस्ट की जा चुकी है इस गली के लिए, मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर के लिए या नई बनने के लिए, बट उनके एंड से आश्वासन तो दिया जाता है कि हम करवा देंगे नेक्स्ट मंथ। दिन में, शाम में जब उनको कन्वीनियंट लगता है वो लोग आ जाते हैं, और नशे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिगरेट वगैरह वो सब, वो जो एक्सट्रीम लेवल के जो नशे होते हैं, डोप होता है, इंजेक्शन एंड वो फॉयल पेपर से जो नशे करते हैं वो सब यहाँ पे बैठ के करते हैं। उससे खतरा ये है कि यहाँ पे दो चार लेडीज़ है, एक फ्लैट भी आगे, लेडीज़ यहाँ से निकलती रहती है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि सफाई नहीं हुई है यहाँ पर। देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गंदगी है, और कोई भी, मतलब प्रशासन इसको लेकर कोई भी कार्य नहीं कर रही है, और यह बहुत ही दुखद विषय है इस चीज़ का। और बीमारी का डर रहता है ऐसे में? हाँ बिल्कुल, बीमारी का डर रहता है। हमने देखा है कई बार यहाँ पे, हमने सरकार से, मतलब प्रशासन से कई बार अपील की है इस चीज़ को लेकर, लेकिन उनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भयंकर गर्मी को देखते हुए दिल्ली के LG ने, VK सक्सेना ने श्रमिकों को दोपहर में छुट्टी देने का निर्देश जारी किया था, जिसके मुताबिक श्रमिकों को दोपहर 12 से 3 बजे तक सवेतन छुट्टी देने का निर्देश है। बावजूद इसके पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में श्रमिक दोपहर के समय भी काम करते हुए नजर आए। इसी का जायजा CCN संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों जैसे की सूरजमल विहार, ऋषभ विहार और विवेक विहार में जाकर लिया। यहाँ काफी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और श्रमिक काम कर रहे हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।